आयोडा, आज हम लोग कक्षा 12 यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए आज से हम एपिसोड बनाने जा रहे हैं बेटा। जिन बच्चों को 90 प्लस, अरे हिंदी में समझो यार, 90 प्लस प्राप्त करना है, वह ये वीडियो देखना न भूले। जितना रोज आएगा आपका, जिससे आपका स्कोर अंग्रेजी विषय में 90 प्लस हो जाए बेटा, ठीक है। तो इसमें हमारी जो प्लान है वो समझो, आपको बहुत सरल सा बताएं बेटा कि जो बोर्ड परीक्षा में आते हैं प्रश्न जिस प्रकार के, उसी प्रकार का अगर आप अच्छे ढंग से अभ्यास कर लो तो वही आना है, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अपनी पूरी आर्ट, जितना हमको जानकारी है, हम सब वीडियो में आपको बता चुके हैं, ठीक है। पीछे सब देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, एडियम्स एंड फ्रेज, जितना सब कुछ है हम आपको बता चुके हैं पढ़ाने के तरीके से। लेकिन अब जो हम चल रहे हैं उससे आप एक कंफर्म रहिए, विश्वस्त रहिए, जो हम बताएंगे उसी में से पूछा जाएगा, साफ साफ बात, ठीक है। एक्स्ट्रा कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, रेगुलरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। जब आप रेगुलर हमारा वीडियो देखते रहोगे तो निश्चित है कि 90 के ऊपर 98 तक पहुंचता है, 98 तक पहुंच चुका है यूपी बोर्ड ने पाठक रिजल्ट। बच्चे पाठक रिजल्ट थोड़े, बच्चे जो पाठक को फॉलो किए उनका 98 आया, लेकिन एक दो नहीं बहुसंख्यक आया। तो जो हमारे अंदर आर्ट है उसको हम आपको बताए जा रहे हैं। तो आज से हम एक्सलेंट ग्रामर देखो ना, एक्सलेंट वाले उसमें हम आज से शुरू करने जा रहे हैं बेटा डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, जो आपके बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं ना, और उसी ढंग के वाक्य आपके बोर्ड आने वाली परीक्षा में भी आएंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि आप इसको बखूबी अच्छे ढंग से देखें, ठीक है, और पढ़ें। तो अगर आपके पास किताब है किसकी, एक्सलेंट वाली, तो उसको खोल लीजिए और पाठक का वीडियो देखना शुरू करें। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्या, डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। अगर इसके नियम वगैरह पढ़ने हैं तो इसको हम हमारे एपिसोड में आज केवल अभ्यास हम कराएंगे, ठीक है। शुरू करें, गुड, चलिए बेटा। डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन 2020 का सेट है, किसने 2020 का है ना, यानी कि करंट वाला ही करोगे, इसी ढंग का आएगा, तो करंट वाला करोगे तभी तो अभ्यास होगा, ठीक है। शुरू करेंगे, गुड, आइए सेंटेंस का बेटा। I said to him, comma inverted comma, can you not do this work? Question mark. Now, direct से indirect बनाने के लिए हम लोग चार पॉइंट पर ध्यान देते हैं। वो चारों पॉइंट क्या क्या है हम रिवीजन करेंगे, जिससे आपके दिमाग बिल्कुल घर कर जाएगा। देखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं, नंबर एक पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, सेट टू को हम पूछने की अंग्रेजी में बदलेंगे, तो बन जाएगा आई आस्क्ड हिम। चार काम करना, एक काम हो गया। अगर रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से शुरू है तो कंजंक्शन हम लगाएंगे इफ या वेदर। यहां पर इफ लगाएंगे, वेदर नहीं लगाएंगे, कारण यह इंट्रागेटिव नेगेटिव है, शुद्ध इंट्रागेटिव होगा तो वेदर लगाएंगे, इफ या वेदर दोनों में कोई लगाएंगे, लेकिन अगर इंट्रागेटिव नेगेटिव है केवल इफ लगाएंगे। इफ माने बताया था कि क्या, दो काम हो गया, आधी पिक्चर सोरे फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बनाओ। साधारण कोई बात क्या बना लोगे ना, अभी दो काम बाकी है, टेंस और पर्सन। चश्मा लगाओ, देखो ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस,
तो यह पास्ट यह भी पास्ट इन्वर्सेंट उतना ही ना, तो यह पास्ट यह भी पास्ट, यह पास्ट यहां कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया उसकी कौन सी फॉर्म पास्ट फॉर्म कैन का पास्ट क्या था कुड। तीन काम हो गया, पर्सन कौन सा पर्सन है यू, कौन सा पर्सन सेकंड पर्सन किसके अनुसार ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हिम, खड़ी लाइन बड़ी लाइन काटोगे क्या काटेगा ही, इफ ही कुड नॉट डू दिस का क्या हो जाता है दैट, दैट वर्क बन गया पढ़ा बन गया, आई आस्क्ड हिम इफ ही कुड नॉट डू दैट वर्क पक्का। बहुत सरल है वर्क, केवल चार स्टाइल आपको याद करनी है, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन वाक्य को असर्टिव करके टेंस ऑफ पर्सन। दूसरा वाला वाक्य देखो द बॉय सेड टू द टीचर, द बॉय सेड टू द टीचर, लड़कों ने अध्यापक से कहा, कामा इन्वर्टेड कामा प्लीज हेल्प अस, यह वाक्य याद करो यह इंपरेटिव सेंटेंस होता ना, आपको पीछे हम पढ़ा चुके हैं इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज काइंडली मैडम सर से अगर वाक्य शुरू है तो प्लीज काइंडली मैडम सर पहुंचा देना भैरव, राइट। रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को रिक्वेस्ट में बोलो क्या बनेगा, द बॉयज रिक्वेस्टेड क्या हो जाएगा, अरे पास टेंस है ना तो रिक्वेस्टेड, द टीचर नंबर टू पर लगाएंगे छोटका टू, देखो डा इस टू और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कोई तीसरा शब्द है नहीं है, तो सिर्फ टू हेल्प अस, खड़े लाइन बड़ी लाइन काटोगे बॉयज के अनुसार क्या काटेगा देम, पढ़ो डा बन गया द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर टू हेल्प देम, कोई कठिन है क्या उड़ा मिटा रहे हैं। अगला वाक्य देखो उड़ा बहुत सरल है उड़ा बस केवल कंसंट्रेशन लगाओ, सिखा उड़ा रामू सेड टू मी, रामू सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये वाक्य है सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, बताइए यह शाश्वत सत्य है कि नहीं, कुरान दक्षिणों में अस्त होता है क्या, इसका मतलब यह इन्वर्सल ट्रुथ है ने? तो कुछ नहीं करना पड़ा, साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य के लिए सेट टू को किसे बोलोगे टोल्ड में, बोलो क्या बनेगा रामू टोल्ड मी, एक काम हो गया कंजंक्शन बोलो दैट, अब चूंकि यह इन्वर्सल ट्रुथ है कोई चेंज नहीं होगा, इन्वर्सल ट्रुथ चेंज नहीं होता सी होता ढो बोलो द सन सेट्स इन द वेस्ट, कोई कठिन है क्या बन गया बेटा रामू टोल्ड मी दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट पता, गुड। अगला वाक्य बेटा माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा डिड यू गो टू योर कॉलेज स्टडी, डिड यू गो टू योर कॉलेज स्टडी, हम अपनी तरफ से नहीं करें बेटा ये आपके बोर्ड परीक्षा में 2020 में आया है, इसी में से दो एक सेंटेंस तुमको आपकी बार मिल जाएगा पक्का है 100% साफ साफ बता दे रहे हो ठीक है, आई बेटा माई फ्रेंड सेड टू मी कमा कमा डिड यू गो टू योर कॉलेज स्टडी क्वेश्चन मार्क, बेटा क्वेश्चन मार्क देखा नहीं नंबर एक पॉइंट सेट टू को पूछने के वजह बता दो क्या बोलो माई फ्रेंड आस्क्ड मी, एक काम हो गया नंबर दो कंजंक्शन सहायक क्रिया सुरेंद्र तो कंजंक्शन हम लगाएंगे इफ या वेदर
दोनों में से आंख को लगा दो, हृदय लगा दे, हृदय लगा दो, लगा दिया। लगाने के बाद आधी पिक्चर सो रहे फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ आंख को साधारण बनाओ, तो साधारण बनाओगे तो ये ड्रिल चला जाएगा किसमें, गो में, कैसे चला जाएगा गो में, तो यहाँ गो की जगह क्या हो जाएगा वेंट, ठीक है। तो अब यह पास्ट, यह भी पास्ट, तो पास्ट हो गया ना, तो पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, हैड लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड गॉन हो जाएगा ना, बेटा तीन काम कर लिया। अब पर्सन यू खड़े आएंगे, बैठ जाएंगे, यू बदलेगा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, खड़े आएंगे बैठ जाएंगे, कटोगे क्या करेगा, आई, वेदर आई हैड गॉन टू, योर बदलेगा मी के अनुसार क्या हो जाएगा, माई कॉलेज स्टडी का द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, बना दो पढ़ो भाग पूरा बन गया। माई फ्रेंड आस्क्ड मी वेदर आई हैड गॉन टू माई कॉलेज द प्रीवियस डे, पक्का मिटा रहे हैं। अगला बार देखो ऐसे लिखा, द ट्रेवलर सेड, इसमें तो देखो ऐसे लिखा, द ट्रेवलर सेड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा, यस रिप्लाइड द पीजेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू वांट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा, नो इन्वर्टेड कॉमा शुरू, रिप्लाइड द ट्रेवलर कामा इन्वर्टेड कामा में आई वांट ओनली ए मील, ये लिखा बेटा। तो इस वाक्य को पाठक स्टाइल में लिखो, सब सरल हो जाएगा, शुरू करें, लिखा बेटा द ट्रेवलर सेड, द ट्रेवलर सेड कामा इन्वर्टेड कामा, कैन यू टेल मी The way to the nearest inn. इन माने सराय, ठहरने का स्थान, ठीक है। यह वाक्य इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर लिखा है यस, yes, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, इस यस को किसने कहा, रिप्लाइड द पीजेंट, द पीजेंट माने किसान, पीजेंट माने किसान, रिप्लाइड, रिप्लाइड द पीजेंट, रिप्लाइड कमेंट कमा यस, ठीक है यस। अब फिर उसके बाद कमा लगा करके आगे लिखा, डू यू वांट वन या इसको नीचे लिख लो, Do you want one in which you can spend the night? Question mark, ठीक है, हमारे पास इसे लिखा होगा। The traveler replied, comma, inverted comma, no, comma, फिर नीचे I want only a meal. इस प्रकार से वाक्य तुम लिख लो, और उसके बाद अब पहले समझो, ट्रेवलर ने किससे कहा, पीजेंट से कहा, तो अगर यहां लिखोगे इसको डायलॉग बोलते हैं, इसको पहले आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ट्रेवलर ने कहा कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन, क्या आप मुझे सबसे नजदीक सराय का रास्ता बता सकते हैं ना, तो द पीजेंट रिप्लाइड, पीजेंट ने उत्तर दिया हाँ, तो इसका मतलब ट्रेवलर ने किससे पूछा, पीजेंट से, तो द ट्रेवलर सेड यहां पर टू द पीजेंट, लो
अब सरल हो गया। द ट्रेवलर सेड टू द पेजेंट, द पेजेंट रिप्लाइड हिम, किसको उत्तर दिया? उसको उत्तर दिया। द ट्रेवलर सेड रिप्लाइड हिम, यहां पर हिम अपने ये बैलेंस कर लो, क्या कर्ता को हमने रिपोर्टिंग वर्क हमने बैलेंस कर लिया। अब एक एक सवाल बना दो, खर्च बन जाएगा। देखिएगा रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं तुम्हारे तो बनाओ क्या बनेगा। द ट्रेवलर आस्क द पीजेंट, द ट्रेवलर आस्क द पीजेंट इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट टेन, क्या बनेगा। द ट्रेवलर आस्क्ड द पीजेंट इफ, कंडीशन लग गया, वाक को साधारण करो, बोलो इफ ही कुड टेल, इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन, ये फिर सब गिव। तो द पेजेंट रिप्लाइड हिम इन पॉजिटिव, द पेजेंट रिप्लाइड हिम इन अफर्मेटिव, क्या कहोगे अफर्मेटिव, सकारात्मक उत्तर दिया। अब ये देखो यहां क्वेश्चन है, फिर अब फिर रिपोर्टिंग वर्क बोलो एंड आस्क्ड, एंड आस्क्ड, अरे यार ये है ना एंड वा कंसाइट का सुरे कंसल का आस्क, इफ यू बदलेगा प्रेजेंट, यू बदलेगा किसके साथ टेबलर के साथ, आज इफ ही वांट का क्या हो जाएगा वांटेड, इफ ही वांटेड टू, इफ ही वांटेड वन, इफ ही वांटेड वन इन विच, इन विच ही कुड, यू बदलेगा हिम का सर ना, तो इन विच ही कुड स्पेंड द नाइट, यहां पर सब लगेगा। फिर द ट्रेवलर रिप्लाइड हिम इन नेगेटिव, द ट्रेवलर replied him in a negative, नकारात्मक उत्तर दिया। अब ये साधारण वाक्य है, साधारण के लिए क्या लगाओगे, told and told and reporting verb बदलो told हो जाएगा, that he wanted, wanted है ना, only a meal, only a meal बन गया पूरा वाक्य प्रॉब्लम ये है। The traveler asked the peasant if he could tell him the way to the nearest inn. The peasant replied him in affirmative and asked if he wanted one in which he could spend the night. The traveler replied him in negative and told that he wanted only a meal. अगला वाक्य देखो, ये एक तो इस साल के सेट में ये एक लंबा आया, बाकी सब छोटे छोटे बड़ा, तो आप चाहे बड़ा वाक्य है डायरेक्ट नाइट का चाहे छोटा, भरना नहीं है, पाठक स्टाइल करना है, सब सरल हो जाएगा। आगे सिखाओ, द बॉय सेट टू द प्रिंसिपल, द बॉय सेट टू द प्रिंसिपल कामा इन्वर्टेड कामा, थैंक यू सर कामा, योर एडवाइस विल सर्टेनली गाइड मी, योर एडवाइस विल सर्टेनली गाइड मी, ये वाक्य। अब इससे सर क्या होता है बोलो,
हमने आपको बताया था पर आज कैसा देखो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में थैंक और कांग्रेचुलेट आवे तो यह सीधे रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब बन जाता है। बराबर द बॉय थैंक्ड, क्या मूड है द बॉय, जब थैंक यहां आएगा क्या हो जाएगा थैंक्ड। द प्रिंसिपल, अब सर लगाया तो विथ रेस्पेक्ट लगा दो, विथ रेस्पेक्ट, ठीक है। अब योर एडवाइस विल सर्टेनली गाइड मी, सरल वाक्य है। एंड सेड टू को किसने दोगे, टोल्ड में, एंड टोल्ड, सरल वाक्य है। कंजंक्शन लगाओ क्या, दैट, यह पास्ट यह भी पास्ट, विल का पास्ट क्या हो जाएगा वुड। योर बदलेगा किसके अनुसार, प्रिंसिपल के अनुसार क्या हो जाएगा हिज, हिज एडवाइस, हिज एडवाइस वुड सर्टेनली गाइड, गाइड ना अम्मी बदलेगा किसके अनुसार, बाय के अनुसार क्या जाएगा हिम। पढ़ो क्या बन गया, द बॉय, द बॉय नहीं द बॉय, द बॉय थैंक्ड होगा ना, बड़ा पास्ट फॉर्म है तो यहां थैंक क्या आएगा, क्या जाएगा थैंक्ड। अब पढ़ो, अब सही बात, द बॉय थैंक्ड द प्रिंसिपल विथ रेस्पेक्ट एंड टोल्ड दैट His advice would certainly guide him. पक्का? Reported speech में thank और congratulate आवे सीधे reporting verb का verb बन जाता है, क्योंकि जब thank क्या आएगा thank की past form हो जाएगी ना, तो the boy thanked the principal with respect and told that his advice would certainly help him. अगला वाक्य देखिए लिखा है, द बॉय सेड टू हिज मदर, द बॉय सेड टू हिज मदर, टू हिज मदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज गिव मी सम पेंसिल्स, प्लीज गिव मी पेंसिल्स, ये लिखा है, ठीक है, प्लीज गिव मी सम पेंसिल्स। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, क्या बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस, प्लीज काइंडली मैडम सर पहुंचा दो भैरव घाट, रिपोर्टिंग वर्क के वर्क को लगा दो, रिक्वेस्ट में बोलो, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर, एक काम हो गया, नंबर टू पर लगाओ छोटा टू, टू और वन की फर्स्ट पार के बीच में कुछ है नहीं है, तो टू गिव मी बदलो बाय के अनुसार क्या हो जाएगा हिम, हिम सम पेंसिल्स। प्रोग्राम गया, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू गिव हिम सम पेंसिल्स, सही है, आगे चलें, द हर्मिट सेड, साधु ने कहा, द हर्मिट, हर्मिट माने साधु, द हर्मिट सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, May you all go to hell. May you all go to hell. ये वाक्य यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इच्छा सूचक वाक्य, तो यहां पर साधु है कह रहा है नरक में जाओ सभी लोग, इसका मतलब यह श्राप दे रहा है, क्या दे रहा है, श्राप दे रहा है तो सेठ को किसमें, द हर्मिट कर्स्ड, क्या होगा कर्स्ड, कर्स्ड माने श्राप देना, द हर्मिट कर्स्ड, नहीं बोले द हर्मिट सेड द हर्मिट कर्स्ड, कंजंक्शन क्या लगा, दैट, इंटरवल में समोसा खाओ वाक को साधारण बनाओ, यह मैं चला जाएगा आल के बाद, ठीक है,
तुम ये पास ये भी पास मैं का पास क्या है माइट यू बदलेगा ऑब्जेक्ट अनुसार ऑब्जेक्ट है नहीं इसका मतलब या यू आ लिखा है इसका मतलब यू बहुवचन है तो या तो यहां वी करो या तो दे करो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन लेकिन बहुवचन है तो क्या हो दे लगा दे दे ऑल माइट गो टू हेल यहां दे की जगह वी लगा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं सही है लेकिन ज्यादा अच्छा क्या है दे दोनों में इसको लगा सकते हो पक्का तो पढ़ो क्या बन गया द हर्मिट कॉट्स दैट दे ऑल माइट गो टू हेल अगला क्या है बहुत सरल है यार अब इससे सरल नहीं आएंगे तब बता देना और अगर नियम पढ़ना है तो आपको बीच बीच में हम आपको याद कराते हुए आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाठक पीछे पढ़ा चुके हैं उसको अच्छे ढंग से देखो एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा आइए सेंटेंस का द टीचर सेट द टीचर सेट कामा इन्वर्टेड कामा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ईमानदारी सबसे अच्छी राजनीति है ये जो है यूनिवर्सल होटल ठीक है ऐसे आजकल तो ईमानदारी जमाने नहीं है लेकिन जब प्रावर भी बनी थी तो ये जो है शाश्वत सत्य में आती थी तो आज भी लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं लेकिन जो शाश्वत है तो मानना पड़ेगा तो कुछ नहीं करना पड़ा द टीचर सेड का सेड रहेगा कंजंक्शन क्या लगा दिया दैट इन्वर्सल है सीधे उतार दो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कुछ नहीं करना था बड़ा एक बार यह सेंटेंस एसएससी में आया था बड़ा तो वहां पर जब जवाब आया था तो हमको याद है कि जो आदमी जिस आदमी ने उसको सही किया था वो लिखा था ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी यानी कि ऑनेस्टी सबसे अच्छी राजनीति थी आजकल कूड़ा हो गई क्या नहीं यानी कि यहां पर टेंस बदलने की कोई जरूरत नहीं ठीक है एक और अगला घबरा द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट अरे यार जो हम बोल रहे हैं कुछ समझ में आ रहा है कि नासे चोचो कर रहे हैं आराम से ना गुड तो जितने लड़के देख रहे हैं आपको सबसे कहना है कि सब अपने कक्षाओं में हल्ला कर दें कि पठकवा जो है पूरा 90 प्लस वाली स्टाइल जो है शुरू किए है इस सबको आप फॉलो करें ठीक है आइए बड़ा द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट गामा इन्वर्टेड कॉमा डोंट स्मोक सिगरेट्स डोंट स्मोक ना सिगरेट्स ये वाक्य है सिगरेट्स ये क्या है सिगरेट धूम्रपान मत करो मतलब बताइए इधर देखो पढ़ाया रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस डू नॉट मिल जाए पहुंचा देना भैरव राइट रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को फॉरवर्ड में फॉरवर्ड का पास्ट फॉर्म होता है फॉरवर्ड क्या होता है फॉरवर्ड द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट एक काम हो गया अब ये डू नॉट गायब हो गया नंबर टू पर लगाओ छक्का टू टू स्मोक बोलो सिगरेट्स बोलो बन गया द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट टू स्मोक सिगरेट्स अब डॉक्टर रोगी को सलाह देता है इसकी दूसरी स्टाइल बने बड़ा द डॉक्टर एक स्टाइल सुना देना दूसरी स्टाइल द डॉक्टर एडवाइज्ड सलाह दिया द पेशेंट रोगी को अब नॉट टू डू नॉट का नॉट टू पहले दो नॉट टू स्मोक सिगरेट्स दोनों ढंग से आपका वाक्य सही कर चाहे ऊपर वाले को चाहे नीचे वाला ठीक है द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू स्मोक सिगरेट्स इस समय हम एक्सलेंट किताब से इंटरमीडिएट
बोर्ड परीक्षा में आए हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के प्रश्नों को क्या करें, हल करें, ठीक है। 2020 का सेट है ना। अगला वाक्य होगा ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा गॉड रूल्स एंड गवर्न्स एंड क्या गवर्न्स ऑल थिंग्स। यह वाक्य बताइए, साधारण वाक्य ना, लेकिन देखो यह शाश्वत सत्य बात है। ईश्वर शासन करता है और नियंत्रित करता है सभी चीजों पर। ईश्वर सभी चीजों पर शासन करता है और नियंत्रण रखता है। यूनिवर्सल है ना, कुछ नहीं करना होगा। ही सेड कंजंक्शन क्या लगा दो दैट, बाकी विषय उतार दो क्या गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग ऑल थिंग्स, ठीक है पक्का। अरे जब थिंग्स होगा थिंग्स याद रखेगा, बड़ा बड़ा बन गया। He said that God rules and governs all things. पक्का बना लोगे, यूनिवर्सल है यार। अंतिम वाक्य है लास्ट। He said, कामा इन्वर्टेड कामा आई सा दिस मैन लॉन्ग एगो, आई सा दिस मैन लॉन्ग एगो। ये वाक्य है, कुछ नहीं करना। आप देखो यह साधारण वाक्य है, सेड को सेड रखोगे, ही सेड कंजंक्शन बोलो दैट, यह पास्ट यह भी पास्ट, सा का पास क्या थर्ड हैड सीन, अरे पास परफेक्ट जाएगा ना, आई बदलोगे ही के अनुसार क्या हो जाएगा ही हैड सीन, दिस का क्या हो जाएगा दैट दैट मैन, लॉन्ग एगो को लॉन्ग बिफोर कर दोगे, एगो को बिफोर में लॉन्ग बिफोर, क्योंकि एक नियम अभी आपको पढ़ाया जाएगा, ये पास परफेक्ट हो गया तो एगो यहां नहीं होगा, नहीं तो आप गलत रहेगा, तो एगो को किसे बदलना है बिफोर में, पढ़ो डाल गया। He said that he had seen that man long before. पक्का कर लोगे। तो ये हमने आपको बताया क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की था, इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन कक्षा 12 एक्सलेंट वाली किताब से 2020 का सेट किया, ठीक है। अब इसी ढंग से हम कल आपको 2000 यानी कराते रहेंगे बताते रहेंगे, लेकिन किताब एक्सलेंट वाली आपके पास है तो उसी से आप खोल के देख लीजिएगा। एक चीज होता है भाई, ये तो बोर्ड परीक्षा करा रहे हैं, तो चाहे जो भी किताब तुम्हारे पास हो बोर्ड परीक्षा वाला खोल लेना, ठीक है, उसी से हम करा रहे हैं, ठीक है भाई। यहाँ एक सिस्टम मिल जाएगा आपको, ऐसी बात नहीं। तो इसी प्रकार से पूरा सेल्फ टेस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन करेक्शन सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एडियम्स एंड फ्रेज एंटोनिम सिनोनिम्स सब यहां पर हम कराएंगे, ग्रामर पोर्शन, बाकी अनसीन पैसेज भी कराएंगे, ठीक है, और ट्रांसलेशन भी कराएंगे, सब कुछ अब यहीं पर होगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा रोज, ठीक है। थैंक यू। ओके।